निशा रावल ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है. करण मेहरा के रिसेंट कुछ हफ्ते पहले जो उनका हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक चुप रही थी निशा रावल, लेकिन अब फाइनली फिर एक बार मीडिया के सामने आकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए नजर आई और उन्होंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई है. और करण के ऊपर नए एलिगेशंस भी लगाए हैं और अपने ऊपर जो एलिगेशंस करण ने लगाए उसे भी साफ करने की अपनी तरफ से कोशिश की है. तो चलिए आपको बताते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है करण के रिलेशनशिप के ऊपर. करण ने कहा था कि मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या कोई अफेयर नहीं था बाहर, इट इज़ निशा जिसका अफेयर रहा है. और इनफैक्ट वो पर्सन अभी भी निशा के घर में रह रहा है, जो बेसिकली मेरा घर है, मेरे ही घर में निशा उस आदमी के साथ रह रही है जिसे वो पिछले 14 साल से राखी बांधती आई है, यानी कि रोहित साठिया. अब इसके ऊपर निशा रावल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बड़ी बात कही है. और करण के रिलेशनशिप पर क्या कह रहे हैं, उनका किस तरीके से किसके साथ अफेयर है, क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों आखिर नाम उस लड़की का रिवील नहीं करना चाह रही, चलिए आपको बताते हैं. आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करण अग्रवाल. रोहित साठिया का नाम काफ़ी खुलेआम ओपनली 14 महीने के बाद ही सही, लेकिन करण मेहरा ने लिया अपनी चुप्पी 14 महीने के बाद तोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस ली May 2021 की, ये बात है जिसका अब उन्होंने जवाब दिया है. अब इसके ऊपर निशा रावल कहते हुए नजर आई कि जो मैं अपनी लाइफ में करूँ ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल बिजनेस है, करण का इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस कि मेरे लाइफ में घुसे, ना मुझे उसके लाइफ में कोई भी घुसना है और हम दोनों ने एक दूसरे की उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और फिर निशा को जब करण के अफेयर के बारे में सवाल पूछा गया तो निशा का जवाब था कि मैं यहाँ पे किसी को डिफेम करने नहीं आई हूँ और किसी को नीचा दिखाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने आई हूँ. सो मुझे पता है कि एज अ वुमन किस तरीके से फील होता है जब आपकी तरफ फिंगर्स पॉइंट आउट की जाती है, और मैं नहीं चाहती उस लड़की के साथ सेम चीज़ें हों, इसलिए मैं उस लड़की का नाम नहीं लूँगी. जब फिर मीडिया ने उनसे कहा कि करण ने तो उस पर्सन का नाम ले लिया है, रोहित साठिया का नाम ले लिया है, तो आप क्यों कतरा रही है करण का जिसके साथ अफेयर है वो बताने के लिए, तो निशा ने कहा मैं करण नहीं हूँ इसलिए मैं ये चीज़ नहीं करूँगी. इट वॉज ईजी फॉर हिम टू टेक इट, लेकिन मैं वो नहीं करूँगी. जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने आई हूँ, ना किसी के ऊपर अटैक करने, तो मैं नहीं कहूँगी. एंड एज इट इज़ इट डजेंट मैटर, अब हम लोग का डिवोर्स हो रहा है, राइट. तो एक रिपोर्टर कहती है कि आप अभी तक शादीशुदा हो तो फिर एक दूसरे का बिजनेस है, राइट. तो निशा कहती है कि अभी तक हमारी शादी सिर्फ पेपर्स पे है, अगर डिवोर्स को 5 साल लगेंगे तो क्या 5 साल में हैंग इन करूँ, क्या मैं अपनी लाइफ नहीं जीऊँ, अगर वो मेरे लाइफ से एग्जिट कर चुका है सो वो उसका देखेगा, अब वो एक बार मेरी लाइफ से चला गया उसके बाद मैं किसके साथ रहूँ किसके साथ नहीं, इट इज़ नन ऑफ हिज बिजनेस, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ और वो जो चाहे वो कर सकता है. इस तरीके से बड़ा खुलासा किया है, अपनी चुप्पी तोड़ी है निशा रावल ने. इस पर आपकी क्या राय, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. आई सी यू सून.